ओके सो अस्सलाम वालेकुम क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि फेसबुक पर डायनामिक एड्स किस तरह सेटअप किए जाते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है एक अच्छा सा डायनामिक ऐड बनाने के लिए फ़ेसबुक के ऊपर अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हम इसी वीडियो में इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे एक एक ईची भीची डिस्कस करेंगे डायनामिक एड्स का सो जस्ट स्टे विद मी ड्यूरिंग द वीडियो विल टॉक अबाउट दिस बिफोर वी मूव ऑन चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें उन लोगों के साथ जो फेसबुक पे अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए एड्स रन करते हैं या करना चाहते हैं और डैट्स uh, ऑल अभी हम आगे बात करते हैं सबसे पहले जब आप डायनामिक ऐड सेटअप करना चाहते हो तो आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं दो की इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं एक तो फेसबुक पिग्जल अगर आपकी वेबसाइट है तो फेसबुक पिगजल अगर ऐप है तो फेसबुक एस डी के ये आपको इंटीग्रेट करना होता है अपनी ऐप में या अपनी वेबसाइट में कोड होता है वो रखना पड़ता है फिर आपके प्रोडक्ट का कैटलॉग सही है कैटलॉग क्या होता है ये जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट बनी होती है सो so, पिग्जल जब आप इंटीग्रेट कर देते हो प्रोडक्ट का कैटलॉग कर देते हो तो क्या होता है कि फेसबुक आपके ऐड टेम्पलेट के लिए खुद ही सेलेक्ट करता रहता है प्रोडक्ट्स जो वो आपकी पिक्सल से क्या होता है कि वो लोग जो आपकी वेबसाइट या ऐप पे आए हैं उनको रीटारगेट किया जा सके जो एक दफ़ा आए हैं उनको दोबारा ऐड दिखाया जा सके कैटलॉग से क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स जो उन लोगों का इंटरेस्ट है जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं वो उनको दिखाई जाती है जब कोई अपॉर्चुनिटी होती है कोई बंदा आता है जो आपकी वेबसाइट पे पहले आ चुका है या नहीं भी आया लेकिन उसका इंटरेस्ट है आपकी प्रोडक्ट में तो फेसबुक आपकी कैटलॉग में से उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको शो कर देता है एड के थ्रू ठीक है आप फेसबुक पिग्जल के बारे में अगर फर्दर जानना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं कि फेसबुक पिग्जल कैसे इंटीग्रेट करें इट्स वेटी सिंपल पिग्जल का कोड होता है आपने अपनी वेबसाइट में रखना होता है और हर प्रोडक्ट पेज पर रखना होता है अगर डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस हैं अच्छा फेसबुक इंटेंट कैसे कैप्चर करता है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंटेंट से मुराद है कि किस बंदे की नीयत है प्रोडक्ट खरीदने की हमने लास्ट वीडियो में एक बार डिस्कस की थी कि उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट दिखाई जाती है जो असल में खरीदना चाह रहे होते हैं या जिनकी ज़रूरत होती है वो प्रोडक्ट फेसबुक को कैसे पता चलता है ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है डायनामिक एड्स के बारे में आ, दो तरह होते हैं एक तो रीटारगेट जो आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को किया और एक ब्रॉड ऑडियंस जो नए कस्टमर्स को ढूंढा जो आपकी वेबसाइट या ऐप पर आ सकते हैं अच्छा दोनों के तरीका क्या है फॉर एग्जाम्पल डायनामिक एड्स इस तरह सेटअप होते हैं कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट या ऐप पे आया उसने आपकी कोई प्रोडक्ट एड टू कार्ट की लेकिन चेकआउट नहीं किया अब फेसबुक पिग्जल को या एस को पता चल गया कि यार ये बंदा आया था और इसने यहाँ तक इस प्रोडक्ट पेज तक आया था इसने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन व्यू की थी या इसने एड टू कार्ट किया था लेकिन इसने बाय नहीं किया सो so, वो उस बंदे को अपने पास नोट कर लेता है रीटारगेटिंग के लिए ठीक है ताकि मैं उसको दोबारा ऐड दिखा सकूँ यानी ये इंटरेस्टेड है इसने एड टू कार्ट किया आगे क्यों नहीं गया मैं दोबारा इसको दिखा लूँगा ब्रॉड में होता है कि वो लोग जो इंटरनेट के ऊपर आपकी फेसबुक के पास ना इंटेंट सिग्नल्स होते हैं जो इंटरेस्ट को कैप्चर करने के लिए वो इस्तेमाल करता है इंटरनेट पे कोई बंदा जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी गुलामद वाली कि इंटरनेट पे कोई बंदा आपसे रेलिवेंट प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढ रहा है वो प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढ रहा है आपके ब्रांड की नहीं ढूंढ रहा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढ रहा है फॉर एग्जाम्पल आप जूते बेचते हैं सो so, कोई बंदा इंटरनेट पर जूते ढूंढ रहा है सो so, सोसबुक को पता चल जाएगा कि यार इस बंदे ने लेटली जूते ढूँढे थे अब जब वो बंदा अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लॉगिन करेगा तो फेसबुक उस इंटेंट की बेस पे उसको वो ऐड दिखाएगा अच्छा स्प्लिट टेस्टिंग आप ज़रूर करें डायनामिक एड्स की यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट सेट्स जब रन करेंगे सो so आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट सेट को और इस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट सेट के ऊपर ये रिजल्ट आ रहे हैं ये इंगेजमेंट आ रही है ये कन्वर्जन आ रही है और दूसरे में ये आ रही है सो so आप डिफरेंट एड सेट्स बनाएं वो तो मैं हमेशा से आपको कहती हूँ और कोई भी एडवर्टाइजर आपको यही समझाएगा कि स्प्लिट टेस्टिंग सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है चाहे आप डायनामिक एड्स रन कर रहे हैं चाहे आप कस्टम एड्स रन करें मैनुअल एड्स रन करें आपको टेस्टिंग हमेशा करनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो और वो किस हद तक आपके एड्स से अचीव हो रहा है आपने अगर स्प्लिट टेस्ट करना है तो आपने जाने कैंपेन लेवल पे जाके सिलेक्शन करनी है कैटलॉग सेल्स को अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्टिव क्या सेलेक्ट करना है कैटलॉग सेल्स ठीक है और उसकी दो डिफरेंट ऑडियंसेस दो डिफरेंट एड्स uh, बना लें एडसेट बना लें और उनको कंपेयर कर लें अच्छा फिर जो कैटलॉग की बात हमने की थी ये तो अभी तक हमने बात की ऑडियंस की अब फेसबुक आपकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन किस तरह फेच करता है कैटलॉग की बेसिस पे वो ये होता है कि आप कोई भी कैटलॉग अगर फेसबुक के साथ शेयर कर रहे हो कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं आप फेसबुक पेज पे अपना स्टोर क्रिएट कर रहे हो और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हो सो so, उसके अंदर क्या होता है कि फेसबुक को पता चल जाता है कि इसकी ये पांच ये आठ प्रोडक्ट्स हैं और वो रेलिवेंट लोगों को दिखाता रहता है कैटलॉग के अंदर एक स्ट्रक्चर डाटा फाइल होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन uh, होती है कि ये प्रोडक्ट का नेम है ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है ये प्रोडक्ट की प्राइस है सो दैट फेसबुक उधर से फैच कर सकता हो Uh, उसके अंदर इमेज यू आर एल्स होंगे नंबर वन डिस्क्रिप्शन होंगी प्राइस होंगी अवेलेबिलिटी होंगी और प्रोडक्ट की कोई भी एट्रीब्यूट्स या कोई भी फीचर्स जो आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हो सिंगल uh, कैटलॉग के अंदर आप डिफरेंट मल्टीपल एड्स और मल्टीपल फीड्स भी रख सकते हो आप अपने ही कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट सेट भी क्रिएट कर सकते हो प्रोडक्ट सेट का मतलब क्या होता है कि आपकी इन्वेंट्री में कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे किताब है तो उसके साथ पेन कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ठीक है अगर आ, कोई आपसे हेयर मास्क ले रहा है तो आप उसे हेयर कंडीशनर साथ में दे रहे हो कोई आपसे ऑयली स्किन के लिए कोई क्रीम बाय कर रहा है तो ऑयली स्किन के लिए आप उसे फेस मास्क भी दे रहे हो सो so, इस तरह आप डिफरेंट प्रोडक्ट के सेट्स बना सकते हो जिसमें आप डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हो अवेलेबिलिटी के फॉर एग्जाम्पल ये सारे लोरियाल के ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं ये सारी टी शर्ट्स या ये सारी प्रोडक्ट्स ये एड सेट मैंने लिवाइस का बनाया हुआ है सो प्रोडक्ट की कैटेगरी हो सकती है प्रोडक्ट की टाइप हो सकती है प्रोडक्ट की प्राइस की बेसिस पे आप बना सकते हैं सो so, आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं फेसबुक को एक तो प्रोडक्ट सेट्स इतनी ब्रॉड ज़रूर होनी चाहिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैंने आपको जैसे बताया ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर आपके पास होंगी तो फेसबुक उनमें से ईजिली आपके बिहाफ पे चूज कर सकेगा हर प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट आईडी होता है प्रोडक्ट कैटलॉग में सो दैट फेसबुक उसको इजीली फेच और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हो ठीक है अगर तो आप आ, किसी और के बिहाफ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और रिसोर्सेज हैं जो कैटलॉग सेटअप करने के लिए ज़रूरी हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आप किसी और के लिए ऐड रन कर रहे हैं किसी बिजनेस uh, के लिए आप एज एन एडवर्टाइज़र काम कर रहे हैं सो so आपके पास कैटलॉग एडमिन की uh, वो होनी चाहिए एक्सेस बिज़नेस मैनेजर में सो सो दैट आप कैटेलाग uh, को एक्सेस कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो अगर आप अपना कैटलॉग कहीं और पहले ही गूगल एड्स पे या कहीं और पहले ही एडवर्टाइज़ कर रहे हो सो so आप उसको डायरेक्टली फ़ेसबुक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो लाइक like शॉपिफाई या कोई और कैटलाग uh, सो so आप वहाँ से भी अपना कैटलॉग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो डायनामिक एड्स के लिए और uh, अगर आप चाहते हो कि आप एग्ज़ैक्ट मार्केट सॉरी एग्जैक्ट प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी और समटाइम जो है प्रोडक्ट रन आउट हो जाती है ये ना हो कि फेसबुक उसका एड फिर भी दिखाता रहे सो so आप फेसबुक मार्केटिंग एपीआई इस्तेमाल करो सो so दैट वो आपकी एग्जैक्ट प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी इस्तेमाल कर आ, फैच कर सके और शो कर सके आप फेसबुक के रिसोर्स सेक्शन में जाके इसके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन देख सकते हो सो डायनामिक एड्स का काटिव किस्सा बनाया जाता है ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने हर प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअली एड नहीं बनाना बल्कि आपने एक एड टम्पलेट बना देना है जिसके अंदर फेसबुक खुद ही कैटलॉग से प्रोडक्ट फैच कर करके डिफरेंट लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक दिखाता रहेगा तो उसके अंदर होता क्या है फॉर एग्जाम्पल कैटलॉग सेल्स आपने एज एन एड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया एड ऑब्जेक्टिव जब आप एड कैंपेन सेटअप की तो ऑब्जेक्टिव में आपने कैटलॉग सेल्स सेलेक्ट किया और उसके अंदर कौन से फॉर्मेट सपोर्टेड होते हैं सिंगल इमेज का फॉर्मेट करोजल का और कलेक्शन का अगर आप करोजल का सेलेक्ट करते हो तो फिर आपके पास फर्दर ऑप्शन आती है कि आप स्लाइड शो करो एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस या डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज इंस्टर्ड ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स यानी करोजल में या तो एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं सो so, वो आपके पास ऑप्शन होती है आप कौन सा सिलेक्ट करो फिर ऑडियंस यानी आप कौन सी सिलेक्ट करो फॉर एग्जाम्पल रीच आप ब्रॉड ऑडियंस को कर रहे हो या उन लोगों को कर रहे हो जिन्होंने रिसेंटली आपकी वेबसाइट को विजिट किया है फिर प्लेसमेंट कौन से होते है डायनामिक एड की प्लेसमेंट में फेसबुक होता है इंस्टाग्राम होता है ऑडियंस नेटवर्क और फेसबुक मैसेजर होता है ठीक है सो आप फेसबुक को बताते हो कि कौन सा कंटेंट आपके कैटलॉग में से डिस्प्ले होना चाहिए हेडलाइन uh, क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट नेम क्या होना चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए प्राइस क्या होनी चाहिए सो so, आप uh, वो फेसबुक वहाँ से फेच कर लेता है प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस हेडलाइन में आ गई फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई प्रोडक्ट uh, का यू और प्रोडक्ट इमेज जो आपने अपलोड किया होगा कैटलॉग में वहाँ से फेसबुक खुद ही फेच कर लेगा अच्छा इसमें ये एक अच्छी ऑप्शन ज़रूर है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी अपने क्रिएटिव को ऑल्टर कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एड्स uh, के ऊपर कोई ओवर लगाना चाहते हो कोई डिस्काउंट uh, लगाना चाहते हो कोई अदर एट्रीब्यूट दिखाना चाहते हो सो so, उसके अंदर फेसबुक के अंदर वो आपको ऑप्शन देता है कि इसके ऊपर ये ओवर आ जाएगा एक लेयर आ जाएगी उसके ऊपर क्या फेस हो क्या शेप हो क्या कलर हो क्या पोजिशन हो उसके ऐड में वो सब आप कस्टम चूज़ कर सकते हो आप अपनी इन्वेंट्री को लाइफ स्टाइल इमेजेस के साथ भी और थीमेटिक uh, इमेजेस के साथ भी प्रमोट कर सकते हो फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स जो आप शो कर सकते हो फॉर एग्जांपल स्विम वेयर है या कुछ है तो वो उससे रेलिवेंट आपको ओवरलेज और कैटेगरीज दिखा रहा होता है ठीक है so, सो करना क्या आपने कंक्लूजन हम एक डिस्कस करें कि पिग्जल या एस डी के इंटीग्रेट किया सबसे पहले फिर जो लोग आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वेदर वो आपकी वेबसाइट पे आए हैं या वो फिर इंटरनेट पे वैसे ही सर्च कर रहे हैं फेसबुक उन लोगों को आपने एक कैटलॉग बनाया सेल्स कैटलॉग बनाया उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट लिंक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट डिस्काउंट अवेलेबिलिटी ये सारी चीज़ें आपने अपलोड कर दी फेसबुक फे एसडीके एस और अपनी इंटेंट जो उसको मिल रही है सर्चेस की बेस पे उसकी बेस पे वो डाटा गैदर करेगा रेलिवेंट प्रोडक्ट उठाएगा रेलिवेंट ऑडियंस को दिखाएगा सो so दैट आपको कोई काम नहीं करना पड़ा अगर आपके सो प्रोडक्ट्स भी हैं तो डायनेमिक एड सो के सो प्रोडक्ट्स का डाटा खुद ही मैनेज करेंगे आपने सिर्फ एक दफा इंटीग्रेट करना है पिग्जल या एस डी के और कैटलॉग अपना मैनेज कर देना है कैटलॉग अगर आपका ऑनलाइन है किसी शॉपिफाई स्टोर पे वो कॉमर्स पे कहीं पे तो वो ऑटोमेटिकली भी फेच हो सकता है फेसबुक मार्केटिंग एपीआई भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो अगर आपको कोई सवाल है कोई बात है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट्स में पूछो हेल्प दानकाश पर ई ईमेल करो या आज दानकाश की कम्युनिटी पे हमसे पूछो कोई सजेशन है तो भी हमें दे सकते हो और आई होप आपको समझ आया होगा सो डायनामिक एड्स का हमारा जो है सीरीज़ वो कंप्लीट हो गया है अगर आपको स्टिल लगता है कि कोई बात ऐसी है जो आप डायनमिक ऐड सेटअप कर रहे हो आपको समझ नहीं आ रही तो हम हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद हैं किसी भी टाइम आप हमें रब्ता कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ मौजूद है और ई भी है आप कहीं पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय बाय बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है नहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कॉन्टेंट पहुंचे इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब बेल का आइकन करें हेट और आप ये कहना चाहते हैं आप कहना चाहते हैं सब्सक्राइब बेल आइकन को Zero teen so chart triple one five seven eight six done gosh dot com